विदिशा के पठारे में कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में विधानसभा स्तरीय जन संवाद यात्रा का शुभारंभ पठारी स्थित प्रसिद्ध करेली धाम पर सुंदरकांड पाठ एवं प्रसाद वितरण के बाद शुरू हुई। जन संवाद यात्रा के आयोजक प्रदीप सहित कांग्रेस कार्यकर्ता बरसते पानी में ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए एवं उन्होंने हर समस्या का समाधान का आश्वासन दिया। प्रदीप अहिरवार ने बताया कि कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव एवं घर घर पहुंचेंगे। इसी दौरान पठारी सेक्टर के ग्राम बड़ोह पटरा पदमयाई काकलखेड़ी चंदुली खड़ाखेड़ी हासमपुर आदि ग्रामों का दौरा कर ग्रामीणों के हाल देखे और विकास देखा। उन्होंने वर्तमान विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस दिन से विधायक बनकर गए हैं उनका विकास अब दिख रहा है। ग्रामीणों से जब हमने पूछा विधायक कब आपके क्षेत्र में आए, अनेक गांव में चुनाव के समय आए थे, इसके बाद चुनाव आने वाले हैं, अभी तक आना नहीं हुआ, यह भाजपा का विकास है। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। सरकार और शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के मुखिया और हरीश सप्रे जी हमारी कुरवाई विधानसभा के विधायक, इन्होंने 4 महीना पहले यात्रा निकाली थी, विकास यात्रा निकाली थी कि नहीं निकाली थी। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इस कुरवाई विधानसभा के काकलखेड़ी गांव में कितना विकास हुआ आप बता सकते हो? कुछ हुआ है विकास? विकास यात्रा झूठी थी कि नहीं झूठी थी? आंख खड़े करके बताओ, झूठी थी? मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि विकास यात्रा आपकी झूठी थी, फर्जी थी, ये आज आपका सैकड़ों का जनसैलाब इस बात को बता रहा है, आप लोगों की समस्याएं इस बात को बता रही है, आपके चेहरे की जो उदासी है, आपके चेहरे पे जो मुरझापन है, इस बात को बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और विधायक हरि सिंह जी के नेतृत्व में उस कुरवाई विधानसभा का विकास नहीं हुआ है, बल्कि कुरवाई विधानसभा के एक एक जिम्मेदार नागरिक का विनाश हुआ है। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी ने इस क्षेत्र में किया तो विधायक जी ने किया। ये जो गांव के जो खपरेल वाले मकान जो बारिश से बचने के लिए पन्नी लगाकर अपने बच्चों को बचाने का काम कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों को बचाने का काम कर रहे हैं, ये ईंटा लगी है और इस ईंटा से जब पन्नी फट जाती है तो बारिश का पानी आपके घर में चूने लगता है। आपको प्रधानमंत्री कोठी, प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, मुख्यमंत्री आवास की जो कोठी है, जो कुटीर है, वो आपको नसीब नहीं होती। छोटा सा कच्चा मकान आपका पक्का नहीं हो रहा है, आप पक्के मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप वर्तमान विधायक जी के यहाँ जाइए, कितनी बारिश आ जाए, कितनी तूफान आ जाए, लेकिन वहां पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का महल आपको नजर आ जाएगा। सही बात है, गलत बात है? सही बात है, हाथ खड़े करिए। और हम लोग पदमयाई गए, 15 दिनों से पदमयाई के लोग बिजली के कारण अंधेरे में रह रहे, वहां डीपी नहीं है। और शाम के 7 बजे चले जाओ, हरि सिंह सप्रे के मकान के बाहर रोशनी जगमगा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, मैं पूछना चाहता हूँ हमारे काकलखेड़ी के एक एक मतदाता भाइयों से कि आपने इसलिए वोट दिया था कि आप अंधेरे में रहो और वो रोशनी में रहे, इसलिए आपने वोट दिया था? लेकिन मैं विधायक जी से और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि इसको, इन लोगों को छोटी सी इतनी सी बात समझ नहीं आती कि आपने इन लोगों को विकास के लिए वोट दिया, आपने सोचा कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। यहाँ कितना बड़ा स्कूल है आप लोग जानते हैं, यहाँ कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है, यहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं है, यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, और इस पूरे कुरवाई की 2.5 लाख से ज्यादा आबादी हो चुकी है, यहाँ 50 बेड का अस्पताल ये विधायक नहीं दे पाया, और विधायक को शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को शर्म आनी चाहिए कि आपने वोट लिया, यहाँ के लोगों ने आपको वोट देकर विधायक बनाने का काम किया, लेकिन इस विधायक ने कभी पलट कर आपके बीच में आने का काम नहीं किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हमारे काकलखेड़ी गांव में विधायक कितनी बार आपके बीच में आया बताओ? एक भी बार आपके गांव में चलकर विधायक नहीं आया। कितनी बार सांसद आपके बीच में आया? सांसद जो पार्टी आपके दुख सुख में आ नहीं सकती, जो विधायक आपके सुख दुख में नहीं आ सकता, ऐसे पार्टी को आप वोट दोगे क्या? आप खुद वोट नहीं देंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप
लोग खुद वोट न दें और जितने भी आपके रिश्ते नातेदार पहचान परिचित के लोग हैं उनसे इस बार हाथ जोड़कर निवेदन करिए कि अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, हम अपनी बहनों को सम्मान देना चाहते हैं, हम अपने बुजुर्गों को सुरक्षा देना चाहते हैं तो आदरणीय कमलनाथ जी को 2023 में फिर से हमें इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। और कमलनाथ जी इतने बड़े नेता है, इतने विजनरी नेता है कि इस मध्य प्रदेश के किसानों के चेहरे पे खुशहाली लाने के लिए 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और 1000 से ज्यादा गौशालाएं कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाई थी। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भाईचारे की राजनीति की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बांटने की राजनीति की है, हमेशा अलगाव की राजनीति की है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कुरबाई में जीत रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा ऐसे भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट विधायक को, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट मुख्यमंत्री को आप लोग हाथ खड़े कर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। आप लोग बदलना चाहते कि नहीं बदलना चाहते? आप सब लोग कुरबाई 2023 में कांग्रेस पार्टी का विधायक बने, इसलिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। इस भरी बरसात में हम लोग सुबह से निकले हैं और सुबह से निकलकर गांव गांव जाकर हम बड़े गए, पटरा गए, हम पदमयाई गए, काकलखेड़ी आए, हमने यात्रा की शुरुआत पठारी से की। हमारा आपके बीच में आने का उद्देश्य आपकी समस्याओं को जानना है, आपके बीच में आने का उद्देश्य आपके चेहरे पर जो मुस्कान गायब हो चुकी है उसका कारण जानना है, आपके बीच में आने का उद्देश्य आपके प्रदेश में, आपके गांव में, आपके शहर में ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग कहते हैं कि विकास हुआ है। हम इस विकास को ढूंढना चाहते हैं और काकलखेड़ी में कहीं विकास नजर नहीं आता। सही बात है कि नहीं सही बात है? तो ऐसे लोगों से जिन्होंने विकास यात्रा निकाली, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है और यहाँ का विधायक इस भोली भाली जनता को गुमराह करते हुए मीडिया के सामने कहता है कि मुझे कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप लोग हाथ खड़े कर विधायक जी को इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए कि इस बार विधायक जी को हराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? कांग्रेस पार्टी जय कमलनाथ। आप लोगों ने हमें सुना, आप लोगों ने इस भरी बरसात में आकर हमारी बात को सुनने का जो महान प्रयास किया उसके लिए मैं आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हर कांग्रेस पार्टी का जो छोटे से छोटा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक, सुचिंतक है उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और कांग्रेस पार्टी की ओर से, कमलनाथ जी की ओर से मैं आप लोगों को इतना जरूर कहके जा रहा हूँ कि 23 में हमारी सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे और जो समस्या बड़ों की है, जो समस्या पटरा की है, पदमियाई की है, 20 से 30 साल यहाँ भाजपा के विधायकों को आपने मौका दिया, 23 में आप लोग कांग्रेस को चुनिए, कांग्रेस को मौका दीजिए, हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे, इस क्षेत्र में बदलाव की राजनीति कांग्रेस पार्टी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।